जयपुर में अनंता रिजॉर्ट से निकलता गंदा पानी और देर रात तक चलने वाली शराब पार्टियां आसपास के रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में आज ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और कई ग्रामीण अनंता रिजॉर्ट पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में होटल द्वारा गंदा पानी छोड़ा जाता है जो गांव से होता हुआ नदी में मिल जाता है, जिससे नदियां भी दूषित हो रही है। यही नहीं, देर रात तक चलने वाली शराब पार्टियों के बाद शराब की खाली बोतलें भी गांव में ही फेंक दी जाती है, जिससे लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद सदस्य अजय व्यास भी मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन होटल प्रबंधन के रसूख के आगे सारे प्रयास विफल ही नजर आए। व्यास ने बताया कि होटल द्वारा सिर्फ गंदा पानी ही नदी में नहीं डाला जा रहा, बल्कि यहाँ होने वाली डीजे पार्टियों को खुश करने के लिए नदी के किनारे पटाखे भी छोड़े जाते हैं और उसकी गंदगी भी नदी में ही मिल रही है। ऐसे में गांव वालों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। आपका नाम बताओ। हमारा नाम प्रकाश। कटेरो अने गाड़ी में जो कई तकलीफ आई रेट है पानी वटी माने वटी घर वणी पर देखियो वेगा वो गंदगी छोड़ रखी वटी होटल वाला और अटी और पानी छोड़े और नदी में भी जावे। नदी में जावे वटो आगु छोड़ रखो आंबा कौन देख लो वटी बुंगला छोड़ रखी पानी जाए तो होटल वाला क्यों नहीं कदी। होटल वाला ने दो तीन वाला कियो पर बन की तो नहीं हटी तो रोज आवे। रोज आवे रोज तो बारिश में छोड़े ने नो छोड़ते ही रे पानी गंदी गंदी छोड़ियो ने पानी बहुत खतरनाक गंदी रहो पता ही नहीं पड़ रहा। ये खुद ही उल्टा कर प्रकाश साहब अब आ रहे तो अरे यार जो तो माँ मोटी घराड़ी नहीं आटे इन बेटा तक आया। प्रकाश नाम है मेरा सर। वो अंदर से बेरे फेंकते हैं दारू पी पी के यहाँ परेशान करते हैं और पानी भी इधर ही छोड़ते हैं उधर ही छोड़ते हैं यही छोड़ते हैं। कौन सा पानी गंदा गंदा पानी छोड़ दे और बोतल कौन फेंक रहा है। दारू पी के ड्राइवर आते हैं दारू पी पी पार्किंग है सर पार्किंग वाले सर ये पार्किंग है ऊपर ऊपर पार्किंग है फिर वो यहाँ बोतलें फेंक दें सर नीचे जो इस बार तो हम रोटी खा रहे थे घर पे फेंकी जो खाने के अंदर ही गिरी। अच्छा तो आपने बोला क्या कभी होटल में बोल तो सुनते ही नहीं है ना क्या कहते हैं गरीब आदमी कौन सुनेगा कौन सुनेगा हमारा क्या कहते हैं होता है ड्राइवर पी के फेंक देते हैं तो इसका भी इलाज होता है ना आप उसको बढ़ा। जय श्री राम। मैं प्रताप सिंह जो कि उदय तले में रूम किराया लेके रहता हूँ और अनंता रिसोर्ट है जो पिछले 8 साल से एसटीपी का पानी नदी में भी छोड़ रहे हैं और रात को इधर गांव के उधर छोड़ते हैं। भांगा जी आते हैं फ्लेवर का डब्बा लेके फ्लेवर डाल देते हैं। अब यहाँ के गरीब आदिवासी लोग परेशान हैं वो जुल्म सहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं क्योंकि बेचारे गरीब है। अब हमने इनको वोट दिया ये हमारे पंचायत समिति सदस्य विश्व हिंदू परिषद के वो है तो अभी इनको बोला कि तुम कौन होते हो इनको आके बोल रहे बेचारे 2 बजे से अभी तक वो सोए नहीं हैं और इनके घर जाके धरना दिया है तब जाके आदमी आए। इनके घर पे इम्पोर्टेंट काम है किसी की डेथ होगी परिवार में लेकिन वो काम छोड़ के यहाँ आया है। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि वो पानी जो जिलों की नगरी नहीं जिलों की नगरी के अंदर वो गंदा पानी जा रहा है वो पानी नहीं जाना चाहिए उसके लिए। और फटाके फूटते हैं रात को 2-2 बजे आज रात को 4 बजे डीजे चल रहा था मैंने फ़ोन किया तो बोले मालिक की पार्टी है मतलब कानून से भी ऊपर मालिक है। कोर्ट का आदेश है 10:30 बजे का 11 बजे तक की समय है इनके पास तो बंद कर देना चाहिए। लेकिन थाने में रिपोर्ट सौ पे कॉल किया है लेकिन सब देखो पुलिस भी कार्रवाई करती है हम पुलिस को नहीं कहते हैं लेकिन आपको पता है हाथी हाथी होता है और चिट्ठी चिट्ठी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमें मजबूरन आज गांव वाले आदिवासी कल आदिवासी फिर आएंगे अगर कल 11 बजे तक उनका काम नहीं होता है उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर से रोड जाम करेंगे उसके लिए हम जेल जाने के लिए तैयार है और भैया का आदेश होगा वही काम होगा। मैं अजय व्यास पंचायत समिति सदस्य बुजड़ा गिरवा। कई समय से अनंता रिसोर्ट वाले ने जो अपने गाँववासी है यहाँ की जो जनता है उनको इतना परेशान कर रखा है कहीं तो ये पानी सीवरेज का पानी छोड़ देते हैं। कल भी रात को 2 बजे सीवरेज का पानी छोड़ दिया वो इतनी बदबू मार रहा है कि आगे गांव के आने जाने लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं वो 5 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं रह सकते और वही पानी इस नदी के जो बुलडा नदी जो पिछोला फतेह सागर जो टोटली पेयजल को पीने के लिए शहरवासियों के लिए पानी जाता है वो ही सीवरेज उस पानी में उस नदी में होकर जा रहा है और रात को ये 2-2 बजे तक डीजे चलाते हैं जाके आगे जो पब्लिक है इतनी परेशान होती है और पटाखे ये नदी के अंदर छोड़ते हैं जिसकी वीडियो फोटो और सब हमारे पास है जो नदी के अंदर पटाखे छोड़ते हैं और वहाँ कचरा करते हैं प्रदूषण करते हैं। और ये बात हमने यहाँ इनको 3 से 4 महीने पहले भी अवगत कराई पर इन्होंने कुछ भी उसका उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम ये काम करेंगे पर इन्होंने कुछ भी उनका समस्या का समाधान नहीं किया केवल लॉलीपॉप देवलने की बात हो गई और कोई समस्या का समाधान नहीं किया। और जब मैंने इनको वापस फ़ोन किया सर क्या हुआ उस समस्या का समाधान लिया तो इन्होंने बोला तो आपकी इच्छा हो जो कर लेना हम जो होगा तो देखा जाएगा बाद में। इसलिए हम कहा चाहते हैं कि अगर
ये जो समस्या जो मैंने बोली है उसका समाधान अगर ये नहीं करेगा अनंता रिसोर्ट, तो उसकी अगर आगे कोई कार्रवाई होती है और अगर जनता कोई आक्रोशित होकर कोई कार्रवाई करती है उसकी जिम्मेदारी समस्त अनंता रिसोर्ट और प्रशासन रहेगा। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे पी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखूना नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टांके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330।